तेरे इश्क में घायल का कल जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि भाई पता नहीं मेयर साहब कहाँ चले गए और जो चैरी की मम्मी थी जो वहां पे पुलिस की हेड थी वो कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा ना उनके बारे में। कोई कंटेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है ना उनका कोई स्पॉट दिख रहा है, वो गायब ही हो गई है। एंड भाई आज के एपिसोड में चैरी की मम्मी जो वहां पे पुलिस की हेड है उनको दिखा दिया गया। और क्या दिखाया गया कि वो भाई वीर से काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं और वीर की सभी बातों को मान रही हैं और वीर जो कह रहा है वो कर रही हैं। मतलब एकदम से कहां से निकला वो कैरेक्टर, कहां था अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन एकदम से दिखा रही कि वीर के साथ है। पता नहीं ये जो मिस्टेक्स है ये बहुत बड़ी हो जाती हैं आगे चल के। इन सब को थोड़ा सा वेल रिटर्न अगर किया जाए कि जैसे भाई वो अपने काम में बिजी थी या फिर कहीं बाहर पोस्टिंग हो गई थी या कहीं बाहर किसी काम से चली गई थी, अगर ऐसा कुछ होता तो लगता कि भाई कुछ सेंसिबल चीज है, लेकिन नहीं डायरेक्टली घुसा दिया। अब शो में हम देख रहे हैं उनको क्या चल रहा है। अब चेरी पूरी तरीके से आज के पूरे फ्रेम में गायब थी, महक कल और परसों से, कल और आज के भी शो में गायब थी ना, उनकी नैनी को दिखाया गया कुछ भी नहीं। अब एकदम से नैनी को दिखा दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो शी भेड़िया थी वो, उसकी मम्मी भी आज के पूरे एपिसोड से गायब थी। परसों के एपिसोड में हमने देखा था कि एक भेड़िया वो उस गुफा से भाग गया, वो भी गायब है। सारी चीजों को एक कनेक्टेड लेके चलना चाहिए, ये लोग कनेक्ट करते ही नहीं है। और जब उन सब चीजों को लेकर बोला जाता है कि यार ये शो मजा नहीं आ रहा देखने में, ये मजे नहीं दे रहा जैसे हम लोग देखना चाहते हैं, जैसा हमें चाहिए, तो फिर बोलते हैं कि भाई आप बुराई कर रहे हो। हम लोग एक साइंस फिक्शनल शो देख रहे हैं और अगर उस साइंस फिक्शनल शो में कोई भी चीजें कनेक्टेड नहीं फील होगी तो हम लोगों को एक टाइम पे ये लगेगा कि यार ये शो चल क्यों रहा है, इसको तो चलना ही चाहिए इस तरीके से, इसको तो इस तरीके से चलना चाहिए कि सब कुछ कनेक्टेड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कनेक्टेड चलता ही नहीं है। तो ये चीज है सबसे बड़ी इस शो में जो मुझे लगता है कि गलत है। प्लस कल मैंने बोला था कि जब वीर मतलब ड्रिंक कर रहा होता है लड़कियों का खून और पार्टी के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो अच्छा नहीं था, लेकिन आज क्या हुआ, आज मुझे सच में लगा ऐसा कि बैकग्राउंड म्यूजिक की चॉइस थोड़ी सी अच्छी हुई है, थोड़ी सी। क्योंकि भाई एक सीन आता है जहाँ पे वीर ना किसी का खून पीने वाला था, किसी लड़की का, लेकिन वहां पे आके ईशा रोक लेती है और ईशा के रोकने की वजह से क्या होता है, वीर ना रुक जाता है और शांत हो जाता है। फिर उनके बीच में थोड़ी सी ऐसी कन्वर्सेशन होती है कि जैसे वीर ना बदल रहा है, वो काम हो रहा है, वो इंसान जैसा बन रहा है, और यहाँ पे एक मतलब रोमांटिक एंगल देने की कोशिश किया गया। और इसके बीच में जो इश्क में घायल का जो ओजी ट्रैक है वो बज रहा था और वो सुनने में ना मजा आ रहा था, तो ये चीज मैं कहूंगा अच्छा हुआ। प्लस निया शर्मा को जबरदस्ती का इस तरीके का कैमियो रोल देने का क्या मतलब था, जरूरत ही नहीं था कि इस तरीके का कोई कैमियो रोल निया शर्मा का दिया जाए। निया शर्मा का कैमियो रोल एक भेड़िए के तौर पर भी दिया जा सकता था जो मतलब गुफा से बाहर आई है और वो एज अ भेड़िया है और वो यहाँ पे डांस वांस कर रही है, और फिर उसका कैरेक्टर खत्म भी कर देते ये बोलकर कि वो भेड़िया वहां से गायब होगी, वो चली गई या फिर उसको मार दे के दफना दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन दे के उस भेड़िए को वहां से हटा दिया जाता, लेकिन आप उसको एज अ इंसान दिखा रहे हो, एज अ गेस्ट दिखा रहे हो, मजा नहीं आया। यहाँ पर सब चीज की जा सकती है, बस बस निया शर्मा को एक भेड़िया दिखाना था जो गुफा में से निकल कर आया, दूसरा भेड़िया उस पहले भेड़िए के बाद, सिंपल था सब, लेकिन नहीं किया गया। तो ये चीज मेरे अकॉर्डिंग बहुत बहुत बड़ी, मैं ये कह सकता हूँ कि खामी है, मिस्टेक तो नहीं एक खामी है जिसको अच्छा किया जा सकता था। बाकी भाई एपिसोड में आज सिर्फ डांस 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 देखने को मिला, उसके बाद हमें ये क्या कहते हैं रैंप वॉक देखने को मिला, ईशा की जो मासी है और जो प्रोफेसर उनके बीच में छोटा सा लव एंगल जैसा कनेक्शन देखने को मिला जो वो पोएम करते हैं उसकी वजह से, प्लस जो वीर है वीर को पता चल चुका है जो प्रोफेसर है उसकी बीवी का उसके साथ कुछ रिलेशन है कि मतलब खून वून पीला ऐसा करके कुछ वो देखने को मिला, इसके अलावा कुछ खास देखने को मिला। सारा का सारा जो फोकस था वो निया शर्मा के फंक्शन के ऊपर ही था, उसके अलावा कुछ भी कहीं पर भी फोकस नहीं था आज के एपिसोड का, इसी वजह से मुझे लगा कि एपिसोड थोड़ा सा खाली खाली सा और बहुत ही बोरिंग सा गया। बाकी भाई अगर डांस वांस को देखोगे, जिस तरीके से रैंप वॉक किया, जिस तरीके से सबका परफॉर्मेंस आता है उसको नोटिस करोगे, उस पर फोकस करोगे, तो एपिसोड बहुत मस्त गया। बस वही बात है कि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं और मैं एक साइंस फिक्शन शो से
एक साइंस फिक्शनल वाली चीज़ ही एक्सपेक्ट करता हूँ, ना कि एक डांस शो की तरीके से किसी चीज़ को ज़बरदस्ती घुसाड़ने वाला कोई एक्सपेक्टेशन रखूँगा, जो कि फैक्ट है। अगर ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो जुनूनी तारा अगर उसमें होती तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकता, क्योंकि वो एक म्यूजिकल शो है, ठीक है, उसमें सिंगिंग शो है, तो उसमें ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसमें ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है और नहीं एक्सपेक्टेड होनी भी चाहिए, क्योंकि ये साइंस फिक्शनल शो है तो उसको थोड़ा उस वे में दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप अगर डांस वांस घुसेड़ रहे हो, ये दिखा रहे हो कि भाई साहब ये एक डांस का रियलिटी शो चल रहा है, म्यूजिक शो चल रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा शो को देखने में। वैसे भी इसकी TRP 0.8 जा रही है और अच्छा चल रही है, तो इसको थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये शो है तो उसको और बूस्टअप करेगा। बाकी भाई आपके अकॉर्डिंग क्या, मतलब जो आज का एपिसोड था, अच्छा था, नहीं था, बोरिंग था, क्या था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।